हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम नीम के पौध के साथ बैठे हुए हैं। इसके ऊपर एक आज हम बहुत ही अच्छे प्रयास को कवर करने के लिए आए हैं। ये हम अशोक नगर में शोभित और गगन के घर पे हम बैठे हुए हैं। इन्होंने इस तरीके से 50 पौध अपने घर में बनाई है नीम की, और आप ये देखिए कि कितने बहुत अच्छे तरीके से 15 जुलाई को इन्होंने ये पौध इसमें लगाई थी निमोरिया डाल करके, और आज ये 3.5 महीने में, आज यहाँ पर 30 अक्टूबर है, और ये 3.5 महीने में इन्होंने इतनी अच्छी नर्चर कर दी है। और आप पीछे देख सकते हैं कितनी अच्छी पौध इन्होंने यहाँ पे बना रखी है। इस चीज़ को कवर करने का हमारा यही मकसद है कि लोग अधिकतर ये कहते हैं कि भाई हम नर्सरीज में जाएं, पेड़ मिलेंगे और ये सब होगा, और कई बार नहीं मिल पाता। लेकिन हम जिस कंसेप्ट पर आ रहे हैं अपने इन वॉलंटियर्स की वजह से कि हम घर घर नर्सरी बना सकते हैं, और इस पॉल्यूशन के खिलाफ हम एक सकारात्मक प्रयास की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसको आप समझें। तो मिलते हैं गगन शर्मा से। गगन, ये आपने किस तरीके से पौध बनाई है? बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इन्हें बड़ा किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। पहले भैया हमने ये मिट्टी वगैरह ली थी, देन हमने इसको काफ़ी ज़्यादा वो किया था, ग्राइंड किया था मिट्टी को ताकि कोई स्टोन्स वगैरह ना रहें। देन वी टुक डायरेक्टली जो नीम की निमोरीज होती हैं, देन उसको पहले पानी में डाल दिया था, देन साफ किया था उसको कि उसमें कीड़े वगैरह ना लग जाए। देन वी डायरेक्टली डिग सीड इनटू इट। देन स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, देन ये अपने आप ग्रो कर जाते हैं। ओके, नाइस एफर्ट गगन, और हम ये कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात जाए और लोग इस चीज़ को समझें कि हम इस तरीके से, केवल ट्री प्लांटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक कनेक्टिविटी विद नेचर है। तो आप इस प्रयास को समझिए, और किसी को भी किसी भी तरीके की पौध अगर बनानी है तो अब हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी को पौध, हर कोई पौध चाह रहा है लेकिन देने वाले कम है, देखिए इन प्रयासों से हम आने वाले समय में अपने पास घर घर में नर्सरी का कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं। और आपको कोई भी पौध बनानी हो, जस्ट हमसे इंक्वायरी करिए और वो घरों में पौध बनाइए, एक दूसरे को बांटिए। और एक दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को कि पॉल्यूशन के खिलाफ हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई कर रहे हैं और हम इसको जीत के रहेंगे, इस युद्ध को। जय हिंद, जय भारत।